तो अब सीन कुछ ऐसे हैं कि आपके भाई का सिलेक्शन हो गया है गूगल में और अब बारी है आपकी। तो यार मुझे पढ़ाने का शुरू से ही बहुत ज़्यादा शौक था। अब स्कूल टाइम पे मैंने अपनी बहन को पढ़ाया जेईई एग्ज़ाम के लिए, फिर मैंने अपने जूनियर्स को पढ़ाया कॉलेज में, और जब लॉकडाउन लग गया तब मैंने स्टार्ट कर दिया अपना यूट्यूब चैनल। अब यूट्यूब पे मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला, लेकिन वो एक कमेंट कि यार तू सबको पढ़ाता रहता है, अपना सिलेक्शन क्यों नहीं करवा लेता माइक्रोसॉफ्ट में, अमेज़ॉन में या फिर गूगल में। अब यार ऐसा नहीं है कि मैंने गूगल में कभी ट्राई नहीं किया, गूगल में मैं दो बार ट्राई कर चुका हूँ। एक बार सेकेंड ईयर के बाद इंटर्नशिप के लिए, और दूसरी बार थर्ड ईयर के बाद फुल टाइम के लिए। अब पहली बार में तो यार रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ था, और दूसरी बार में फर्स्ट राउंड में ही आउट, तो दोनों बार रिजेक्शन। मुझे ये लगता था कि यार अगर कंपेरेटिव प्रोग्रामिंग नहीं की है तो यार गूगल में होना इम्पॉसिबल है, और सीपी में मेरी जो हिस्ट्री थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो मुझे हमेशा ये फियर रहता था कि यार मेरा होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन क्या सच में सीपी की ज़रूरत है? तो अब सीन कुछ ऐसे हैं कि आपके भाई का सिलेक्शन हो गया है गूगल में और अब बारी है आपकी, तो अब आप लोग भी तैयार हो जाओ। तो अब यार मैं गूगल में अपने तीसरे अटेम्प्ट का मूड बना ही रहा था, लेकिन इंतज़ार था कि क्योरफिट में एक साल कंप्लीट हो जाए उसके बाद अप्लाई करेंगे। उसकी भी एक खास वजह है, जब आप लोग कंपनी ज्वाइन करते हैं तो आपको एक ज्वाइनिंग बोनस दिया जाता है, लेकिन अगर आप कंपनी एक साल से पहले छोड़ देते हैं तो आपसे वही बोनस उतने ही प्यार से ले भी लिया जाता है। तो मैंने सोचा कि यार एक साल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आराम से अप्लाई करेंगे। लेकिन ये बात है 19th of February 2022 की। मेरे पास आता है लिंक्डइन पे एक टेक्स्ट जिसमें लिखा हुआ था कि वी वेंट थ्रू योर प्रोफाइल, वी लाइक्ड योर प्रोफाइल, और यहाँ पर कुछ ओपनिंग्स हैं, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड सेंड योर रिज्यूमे। और ये टेक्स्ट था गूगल रिक्रूटर की तरफ से। अब यार ऐसा पहली बार हुआ था कि गूगल ने मुझे अप्रोच किया हो, हर बार मैंने ही गूगल को अप्रोच किया था, तो मेरी खुशी इस लेवल पर थी। आगे बढ़ते बढ़ते थोड़ी सी बातचीत तैयारी की भी कर लेते हैं। तो यार आप लोग भी सोच रहे होंगे कि भैया आपको तैयारी की क्या ज़रूरत है, आपको तो वैसे ही डेटा स्ट्रक्चर्स आता है। देखो मेरा मानना यही है कि रिज़ल्ट चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, चाहे आप फेल हो चाहे आप पास हो, अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स थे, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स थे जो मैंने सालों से उठाकर नहीं देखे हैं, अब उन्हें रिवाइज़ करना तो बनता था। और मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज था ये सब मुझे एक फुल टाइम जॉब के साथ करना था। मुझे ज़रूरत थी यहाँ पर एक प्लान की। अब मैंने एक प्लान बनाया, एक स्ट्रेटजी बनाई, और थ्रू आउट माई प्रिपरेशन मैंने बहुत अच्छा मटेरियल तैयार किया। खैर ये मटेरियल, ये प्लान, ये स्ट्रेटजी आपके साथ फिर कभी शेयर करेंगे बिल्कुल डिटेल में। अभी हम लोग वापस मुद्दे पर आते हैं। तो यार मेरे पास रिक्रूटर का कॉल आया, उन्होंने मेरे से पूछा आपने किस किस टीम में काम किया हुआ है, आपका टेक स्टैक क्या था, आपने कौन से प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट किया हुआ है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा आपको इंटरव्यू के लिए कितना टाइम चाहिए। अब मैंने काफ़ी कुछ सोचा समझा और मैंने बोला कि वी कैन स्टार्ट द प्रोसेस नेक्स्ट वीक। टोटल मेरे 5 कोडिंग राउंड हुए, उसके बाद एक गूगलीनेस यानी कि लीडरशिप वाला राउंड हुआ, और यहाँ पर मुझे अपने रिक्रूटर की तारीफ करनी पड़ेगी। मतलब उनके जैसा एक्टिव रिक्रूटर मैंने आज तक नहीं देखा है। हर एक इंटरव्यू के बाद उनका कॉल तुरंत मेरे पास आया है फीडबैक्स पूछने के लिए, और साथ ही साथ नेक्स्ट राउंड की गाइडेंस के लिए। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा स्मूथ था, सब चीज़ें बहुत फास्ट फास्ट चल रही थी, अनटिल टीम मैचिंग राउंड। अब यार टीम मैचिंग राउंड पे आकर के मेरी जो घड़ी की सुई थी वो थोड़ी सी अटक गई। अब यहाँ पर क्या हुआ, मैंने ये राउंड दिया फ्राइडे को, फिर पड़ा सैटरडे, फिर पड़ा संडे, उसके बाद मेरे जो हायरिंग मैनेजर थे वो चले गए 2 दिन की लीव पे। अब यहाँ पर मेरी सांसें अटक गई, मतलब एक एक स्टेप करके सारी सीढ़ियाँ चढ़ते चले गए। सारे राउंड्स के फीडबैक मुझे बहुत जल्दी जल्दी मिले, लेकिन यहाँ काफ़ी ज़्यादा डिले हुआ, और उसी के साथ साथ मेरी जो एनजाइटी थी वो बिल्कुल इस लेवल पे। अब यार होता क्या है, आप एक एक करके स्टेप्स चढ़ते चले जाते हो, लेकिन जब आप ऊपर से गिरते हो ना तो बहुत तगड़ी चोट लगती है। तो यही केस मेरे साथ था, मुझे भी डर था यार कि कहीं ना कहीं यहाँ पर आके सारे राउंड्स क्लियर करने के बाद मैं टपक ना जाऊँ। फिर एक दिन आता है मेरे रिक्रूटर का कॉल, उन्होंने मुझे बताया कि यू आर एक्सेप्टेड बाय द हायरिंग मैनेजर, और अब आपको इंटरनल रेफरेंस देने हैं, उसके बाद मैं आपका जो प्रपोजल है वो हायरिंग कमेटी में भेजूंगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन, लेकिन आई कैन नॉट गारंटी एनीथिंग। हायरिंग कमेटी बहुत अनसर्टेन होती है,
उन्होंने मुझे क्लियर वर्ड्स में बोला कि हायरिंग कमिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट अनसर्टेन थिंग, तो वहाँ पर जाके कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा ठीक है देखते हैं। अब यार बहुत दिन ऐसे ही बीत गए और फिर से एक बार ये इंतज़ार की घड़ी शुरू हो गई। आप लोग मुझसे रिलेट कर पा रहे होंगे कि कितना मुश्किल होता है इस टाइम पे इंतज़ार करना। मुझे 2-3 बार इस चीज़ के सपने भी आए। फिर यार एक दिन सुबह सुबह मैं अपने दूसरे वाले चैनल के लिए डेटा स्ट्रक्चर की वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा था। टाइम था कुछ 11 बजे और दिन था सैटरडे का। और दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ कि यार मंडे कब आएगा। अब मैं यूजुअली जब लेक्चर्स रिकॉर्ड करता हूँ ना तो अपना फ़ोन एयरप्लेन मोड पर डाल लेता हूँ। मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया, अपना फ़ोन एयरप्लेन मोड से हटाया और मुझे वहाँ पर दिखे अपने रिक्रूटर के मैसेजेस। उसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि प्लीज़ कॉल मी बैक। अब जैसे ही मैंने ये मैसेज पढ़ा, एक उम्मीद की लहर पूरी बॉडी में दौड़ गई। मैंने तुरंत उनको फ़ोन मिलाया एंड शी सेड, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी टू डिस्टर्ब यू ऑन सैटरडे, जिसका जवाब मैंने अपने दिल में ही दे दिया। और नेक्स्ट लाइन वॉज कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई जस्ट वॉन्टेड टू कॉन्ग्रेचुलेट यू दैट यू गॉट सेलेक्टेड एट गूगल। अब यार ये जो अचीवमेंट है ये मेरा अकेले का नहीं है, इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मेरी मम्मी का भी है। तैयारी मैंने करी है लेकिन उनका मुझे पूरा सपोर्ट रहा है। जब भी मुझे दिन में टाइम नहीं मिलता था और मैं रातों में तैयारी करता था, ये सिर्फ अभी की बात नहीं है, ये बात मेरे स्कूल टाइम की भी है। पूरा टाइम मेरी मम्मी मेरे साथ रहती थी, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देती थी। तो यार ये सिर्फ मेरा अचीवमेंट नहीं, मेरी पूरी फैमिली का अचीवमेंट है और मेरी पूरी फैमिली में आप लोग भी आते हैं। थैंक्स अलॉट एवरीवन फॉर बीइंग देयर। एजुकेशन से ही यहाँ तक आए हैं और इसी को आगे लेकर के जाना है। हम लोग मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। बाय बाय।